निकट रे ओसो से और बनो हा ओसो तक जा है अरे ओसो के लिए काम करना मन लगे हां कितने वाली आई हम राम राम जी। मैं आपका अपना वीकेएस विनोद कुमार शुक्ला। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए वीकेएस छोटू यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए अलग से अलग एक से एक ब्लॉग। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ पूड़े बांधने। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसे पूड़े होते हैं। देखो, ये है पूड़े बने, ये ठीक है। जो आपने पहले ये वीडियो देखी होगी, ठीक है, पहले ये जो ब्लॉग देखे होंगे उसमें दोस्तों मैंने धान काटते हुए दिखाया। ठीक है, आज दोस्तों पूड़े बांधते हुए देखोगे आप, और एक छोटी ही झलक तो दोस्तों आपने पहले ही देख ली होगी। ठीक है, पहले ही देख चुके हैं दोस्तों आप छोटी झलक तो, और आगे आप और भी देखोगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज इस ब्लॉग में आप देखोगे कि पूड़े कैसे बांधे जाते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा दोस्तों, इसको दोस्तों कैसे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, आप उसको देखोगे। और उस आने वाले ब्लॉग में आगे तो आप देखोगे कि भाई कैसे अलग किया जाता है, जो घास फूस है इसको कैसे अलग किया जाएगा, और दोस्तों जो अनाज है उसको कैसे अलग किया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल वीकेएस छोटू। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखो दोस्तों, जो मैं लाइन में लगा था, जिस लाइन में लगा था बांधने के लिए, उस लाइन ही मैंने बांध दिए। देखो दूर तक के, और मेरे मम्मी पापा उधर बांधने लग रहे हैं, उधर ही मैं जाऊंगा। ठीक है, अब देखो कुछ पूड़े हैं, कम से कम हैं 1 3 5 6 पूड़े हुए। मेरी मम्मी ने आगे से बांध दिए थे इस लाइन के, जिस लाइन में मैं लगा हुआ था। ठीक है, और सारे के सारे पूड़े मैंने बांध दिए हैं। ठीक है, पूड़े बोलते आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो ये मेरे पापा की लाइन बंधी हुई है, ये आगे बांधते हैं, आगे जो लाइन है उनको बांधेंगे। फिर दोस्तों लगभग ऐसा है कि ये आज बन जाएगा, लगने में लग रहा है। फिर काफ़ी गीले भी हैं, ठीक है, अच्छी तरह से सूखे भी नहीं हुए हैं पूरे, तो देखते हैं जिस हिसाब से बनते हैं उनका हिसाब देखते बांधते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो देखते रहिए भी क्या छोटू यूट्यूब चैनल। और दोस्तों ये बच गया है भाई, एक पूड़े में से इतना मोटा ये पूड़ा था। ठीक है, आप देख ही रहे हो। ठीक है, इसमें से दोस्तों ये बचा, इसको मैं उठा लेता हूँ, जो नेक्स्ट लाइन बंधेगी उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, और आप देख ही रहे हो बंधे हुए। चलो आपको दिखाते हैं, देखो इन सब में अनाज है। ठीक है, देखो आप देखोगे ध्यान से, इन सब में अनाज है भाई। ठीक है, और आगे देखो,
ये मेरे बांधे हुए हैं दोस्त, मैंने अपने हाथों से बांधे हैं, आपको दिखाया भी दूर तक दोस्त। अब दोस्तों मैं इधर जाऊंगा, इधर बस आ रहा, बस छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है लास्ट में, जो आप देख रहे हैं दो पोल, देखो ये दो पोल है ना, इसके पास का बचा हुआ बस भाई, ठीक है। और उससे आगे जो कटा हुआ है वो दोस्तों बीआर वालों ने काट रखा, ठीक है, यानी दोस्तों बीआरयू ने काट रखा, ठीक है। तो देखो वो बांध दिया है, ठीक है, मैंने और मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने दोस्तों, सब ने, तीनों ने मिलकर दोस्तों ये बांध दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पापा का, फिर उसके बाद मम्मी का, और भाई थोड़ा सा योगदान अपना भी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, ठीक है, और आपको अच्छा भी लग रहा हो दोस्तों। ये सभी ऐसे भी पुड़े, हम अपनी भाषा में इनको पुड़े बोलते हैं, हरियाणवी भाषा में, ठीक है। देखिए भाई, ओके दोस्तों, आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दियो, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपसे वो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करियो, कमेंट ज़रूर करियो, बस मैं कमेंट का भूखा हूँ आपके, ठीक है। क्या दोस्तों, मैं कमेंट का आपके, आपके जो कमेंट दोस्तों उनका भूखा हूँ, ठीक है, और रिप्लाई ज़रूर दूंगा भाई, ठीक है, हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ओके। तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को कि जो आज का ब्लॉग वो पसंद आया होगा, कैसे मैंने पूरे बांधते हुए दिखाया आपको, ठीक है। और दोस्तों देखो ये बंद भी चुका है, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि लगभग एक बीघा बचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों वो गीले हैं इसलिए वो बांधे नहीं है, नहीं तो दोस्तों आज पूरा प्लान था कि पूरा पूरा किला है बांध के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि दो बीघे लगभग आधे किले के, ठीक है, कल बांध दिया था और जो बचा है आज वो बांध दिया है, और एक दो दिन के बाद जो बचा हुआ है छोटा टुकड़ा है जो एक बीघा है उसे बांध देंगे, ठीक है। तो आप सभी ने दोस्तों ये ब्लॉग देखा, आपको अच्छा लगा हुआ, ठीक है, अच्छा लगे तो नेक्स्ट ब्लॉग पे भी जाइयो, अच्छा लगे तो भाई रिप्लाई दियो, कमेंट करियो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहे, इंजॉय करते रहे और मौज से रहे, ठीक है। तो जय हिंद, जय माता दी।